कि हमारा छोटा बच्चा गौरांग बहुत आयु कम है और बराबर यहाँ पर कवरेज करता है यूट्यूब के माध्यम से भी और बहुत मेहनती है गौरांग। आपकी समाचार के नाम से इसका यूट्यूब चैनल है तो ये जब भी देता है तो मेरा सभी से निवेदन है कि उसको सब्सक्राइब करें। बहुत मनारी श्राप बसा उपल देह धरी धीर चर कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। गौतम के नार अहिल्या ने अनजान पले में पाप किया, उस पाप कर्म के बदले में गौतम ने इसको श्राप दिया। दुखी नारी बैठी है पर सद पद पावन शोक न सावन करत भई तब मुझ सही देखत रघुनायक जन सुखदायक कर्म कोई कर जोड़ रही अति प्रेम भतीजा मुलक शरीरा मुख नहीं आवई वचन कही और अनुज राजा लक्ष्मण जी को लेकर के
गंगा तट पर पहुंचे तो उनको बताया कि आज यह सुरसरी जो इस पावन धरा को पवित्र कर रही है और सभी जन जन का कल्याण कर रही है, ये पावन गंगा राम तुम्हारे पूर्वजों की देन है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। देखिए, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि इसके पश्चात दृष्ट होगा, बहुत सुंदर दृश्य है, पुष्प वाटिका, अद्भुत दृश्य है, बिल्कुल बहुत ही मेहनत से सभी कलाकारों ने तैयार किया है। और उसके पश्चात सीता स्वयंवर, परशुराम और लक्ष्मण संवाद, देखने लायक दृश्य है। खैर, देखिए, मैं इस मंच के माध्यम से एक बार अपनी समिति को भी और सभी को बता देना चाहता हूं कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं, मुझे अक्सर मिलते हैं कि बब्बर भाई, नाम नहीं राम में विश्वास रखो। और उसमें एक बहुत ही हमारे अच्छे मित्र भी और हमारी समिति के सहयोगी भी, मैं अक्सर उनका नाम नहीं ले पाता था, तो मुझसे मिले, मैंने कहा जी आपका नाम मैं भूल जाता हूं, तो देखिए कितने अच्छे शब्द थे कि पप्पा जी कोई बात नहीं, हमारे लिए तो केवल सेवा बताइए। और वह नाम है हमारे परमादरणीय भगवान दास, हमारे प्रधान जी से मिलते रहते हैं समय समय पर, मिठू जी से, और पूछते रहते हैं कि जी मुझे काम बताओ। और साथ साथ हमारे भाई सोनू सुपर जी, देखिए ये गुणधर्म स्वभाव के, शांत स्वभाव के सहवान है, जिन्होंने मुझे कभी नहीं कहा, उनका केवल एक ही कहना होता है कि बब्बल जी राम में विश्वास। खैर, बात चलती रही, आज हमारे इस समिति के बहुत ही बहुत सीनियर और जो इस रूपरेखा को, इस रामलीला को सजाने में और संवारने में बहुत अच्छा अभिनय जिन्होंने किया है, बहुत अच्छा सहयोग जिनका हमेशा से रहा है, हमारे परमादरणीय और इस समिति के विश्व पितामह भी मैं कह सकता हूं श्री ओम प्रकाश चंद्र जी, आज मेरे सामने बैठे हैं। मैं तो इनको हनुमान जी का रूप देता हूं, मेरे पास 9 मिनट का समय, क्योंकि दृश्य आज बहुत ज्यादा नहीं है। इनके अतिरिक्त भी मैं अपनी समिति से कहता हूं, जो भी हमारे पदाधिकारी हैं बड़े बड़े, कई बार मुझे यहां से नहीं दिखाई देता, लाइट पड़ती है सामने, लाइट सामने पड़ती है तो मुझे नहीं दिखाई देता, तो समिति के चेयरमैन श्री रमेश गुप्ता जी, पंकज गुप्ता जी, वरिष्ठ चेयरमैन हमारे ओम प्रकाश चंद्र जी, रमेश गुप्ता जी वो पहचान है जो धोला कुआ में मुद्दा कारण चौक पर बहुत ही बड़ा कावड़ की सेवा लगाते हैं, और इसी संता धाम रामला कमेटी में उन्होंने बहुत ही विशाल श्याम बाबा का कीर्तन किया। मैं कमेटी संता धाम की तरफ से बड़े भाई रमेश गुप्ता जी को नतमस्तक करता हूँ, और कमेटी की तरफ से भगवान उनकी लंबी आयु करे। केतन अरोड़ा जी, लवली बख्शी जी, हमारे दिल्ली पुलिस के जाबाज अफसर, और पुलिस की तरफ से हमें सब निर्देश दिया गया है कि वो अपनी दो भी स्कूटी के हमें गाइडलाइन दी गई है, कृपा करके लवली बख्शी जी, चेतन जी, इसको पूरा कीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम। ये थे हमारे मुखिया जी, प्रदीप सुपर जी, प्रधान जी, तो मैं बीच बीच में इनको माइक दिया करूंगा, क्योंकि बहुत सी बातें ऐसी हैं जो शायद मुझे नहीं पता,
देखिए एक और बात मैं इस मंच के माध्यम से अवश्य कह देना चाहता हूँ कि हमारे बहुत अच्छे सहयोगी मेरे छोटे भाई भाई अजय चावला जी, देखिए जो हमारे निमंत्रण पत्र के अनुसार जो प्रथम आरती थी वो हमारे छोटे भाई ने करी थी, परंतु कल जो सीन की सिचुएशन थी उसको देखते हुए हमारे डायरेक्टर साहब ने, लीला मंत्री ने और समिति के भी होता है कि समापन इस समय आरती ना कराओ, बाद में करा लेंगे। और देखिए कितनी अच्छी बात है, मेरे छोटे भाई ने अजय भाई ने क्या कहा कि भाई साहब कोई बात नहीं, मुझसे तो कभी भी राम जी की आरती मैं तो रोज ही करता हूं। बहुत बहुत मैं अपने छोटे भाई को अजय चावला जी को साधुवाद देता हूं और बहुत बहुत इनका धन्यवाद कर रहा हूं इस मंच के माध्यम से इनकी वर्षों से हमारे समिति के चेयरमैन है 16 से 17 लगभग। और जो कि देखिए हर वर्ष जो यहाँ पर पहली हनुमान जी की आरती होती है, प्रथम आरती जो होती है हनुमान जी की इन्हीं के परिवार के द्वारा की जाती है, मंच के माध्यम से बहुत बहुत इनको बधाई, बहुत बहुत साधुवाद। टाइम्स ऑफ इंडिया से संजीव साहे जी हमारे मंच में है, इनका भी बहुत बहुत हार्दिक दिल से स्वागत। और देखिए हर जगह ये पहुंचते हैं और अपनी कवरेज करते हैं, श्री रामचरक महाराज रामलीला समिति सबका धाम इनका हार्दिक दिल से धन्यवाद करती है। और देखिए मैं आपको एक दो बातें और बता देना चाहता हूँ जितना मेरे को समय मिलेगा, ये जो इतना बड़ा महायज्ञ चलता है इसमें सभी का सभी की आहुति किसी न किसी रूप में होती है। और अगर सबसे पहले मैं बात करूं तो हमारे दान दाता जिन्होंने हमारे इस मंच पर यहाँ पर राम जी की लीला का भव्य उद्घाटन किया था, आदरणीय श्री राम कुमार वोला जी, और दशहरा पर्व का जो उद्घाटन करता हमारे लगभग 15 से 20 वर्ष से लगातार जो कर रहे हमारे भरत मेहता जी, धनराशि का विषय तो अलग है और स्वयं बुलाकर के कमेटी को समिति को स्वयं बुलाकर के ये कहते जी आप आए क्यों नहीं। और इनके साथ साथ बहुत से नाम हैं, अश्विनी हमारे कोहली जी और रमेश गुप्ता जी, हमारे पूरी साहब नितिन पुरी जी, शरद मल्होत्रा जी, अजय भाई तो बैठे ही हैं सामने, और भी एक हमारे सहवान हैं जिन्होंने यहाँ पर जो दूध की व्यवस्था यहाँ पर चलती है पीछे सभी कलाकारों के लिए वो, और जनरेटर की सेवा बिल्कुल यहाँ पर फ्री दी है जिन्होंने। और एक और नाम इस कड़ी में जुड़ता है और वह हमारी पूर्व निगम पार्षद श्रीमती किरण चोपड़ा जी, जी हाँ, जिन्होंने पूरा जितना भी यहाँ स्टाफ का प्रसाद के रूप में जो भोजन होता है लगभग 200 से 250 यहाँ पर सभी लोगों के उनका प्रतिदिन का जो भोजन होता है वह उन्हीं के द्वारा ईश्वर से दिया गया है, समिति की तरफ से इनका हार्दिक दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत उनको मैं बधाई भी दे सकता हूँ और परमपिता प्राप्त से यह प्रार्थना करूंगा कि इसी तरह सहयोग करते रहे। क्योंकि और भी बहुत से नाम हैं, शायद हो सकता है मुझे कुछ नाम ज्ञात भी ना हो, तो मैं समिति से अनुरोध करूंगा कि जो और हमारे सहयोगी हैं कृपया उनके बारे में भी मुझे कुछ बता दें, क्योंकि जिनकी वजह से जिनके सहयोग से मैं कह सकता हूं ये राम जी की लीला चलती है, तो सभी
तो हमें बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इस मंच के माध्यम से। और इस दृश्य के पश्चात मैं अपने भतीजे को पंकज गुप्ता को इस मंच पर आमंत्रित करूंगा, क्योंकि अभी तक यह थोड़ा सा बहुत ज्यादा बिजी था। यहाँ पे विशाल संकीर्तन हुआ था, श्री श्याम एकता मंडल ने जो किया था, बहुत काम था उसके अंदर, तो बहुत व्यस्त था ये, तो किसी कारणवश ये नहीं आ पाया था। तो आगे आगे मेरी थोड़ी सी मुझे थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा, तो मैं अपने भतीजे को इस सुशोभित मंच पर मंच संचालन के लिए आमंत्रित करता हूँ, पंकज गुप्ता जी। उससे पहले हमारे देखिए जो मैं बात मंच से और साथ साथ हमारे आदरणीय व्यास जी, भवन जी और इनकी पूरी टीम, साज और आवाज सभी का मिलजुल करके दृश्य को उठाने का, तभी दृश्य सफल होता है। हमारे डायरेक्टर साहब राहुल जी और आज राहुल शर्मा जी भी आपको यहाँ पर राम की भूमिका में दिखाई देंगे। और देखिए एक और नाम मेरे सामने अभी से निकले हैं पासवान जी, क्योंकि अभी यहाँ पर कवरेज कर रहे थे उनके साथ, ये भी कहीं ना कहीं सेवा में लगे रहते हैं। तो आइए मैं जयप्रकाश मंगल यही कहते हुए, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, कहीं देखी सूरत बिन जैसी। कहते बड़ा हुआ तो क्या हुआ, और जैसे पेड़ खजूर पंथी को छाया नहीं और फल लागे अधूर। मैं जयप्रकाश मोपल आपसे विदाई लेते हुए आपको ले चलता हूं अपने व्यास जी के पास। जय श्री राम। युग युग से इस देश की धरती से जीवन Oh,
ये दोनों बालक
जो आनंद को भी आनंद देने वाले, मेरा हृदय चाहता है कि मैं यूं इसी प्रकार इन दोनों का दर्शन करता रहूं। परंतु आप तो जानते हैं कि रात के कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं जिनका करना अति आवश्यक हो जाता है। इसलिए हे मुनिराज, आप मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। और जाते जाते मेरा आपके श्री चरणों में ये निवेदन है कि आप मिथिलापुरी में पधार कर मेरी नगरी को अवश्य पवित्र करें और आपको किसी प्रकार की कोई भी आवश्यकता हो तो निसंकोच इस दास को आदेश करें, आपके श्री चरणों में उसी समय प्रस्तुत हो जाएगा। अवश्य राजन, तुम किसी प्रकार की चिंता ना करो और जाओ धनुष महोत्सव की तैयारी करो। कैसी आपकी आज्ञा मुनिराज। हरि पूजा सब विधि से बताई, गय उड़ाऊ ग्रह विधा कराई। ये गुलाब, ये चमेली और आइए प्रभु महल के ऊपर आइए। बाग बहुत बड़ा है प्रभु, आइए आइए प्रभु मेरे साथ आइए, आइए प्रभु आइए आइए। और वो देखिए प्रभु, वो देखिए सदाबहार चमेली और वहां सूरजमुखी भी है प्रभु, और वो सफेद गुलाब, और वो रात की रानी भी है प्रभु। आपको जो भी अच्छा लगे वही पुष्प लीजिएगा और मुझे आज्ञा दीजिए ताकि मैं अपने कार्य पर जा सकूं। अच्छा प्रभु, अच्छा प्रभु। चले किसी जी कई पूछ माली गन, लगे लैन जल भूल मुझे मन।
सीता का स्वयंवर करेंगे। तो आइए महाराज,
एक एक करके आइए। आप उस देश के राजा, आप उसी की बोले बंदी वचन मन Yeah.
राजस्थान देश के राजा आमू जी आइए महाराज। Hey, धनुष पर पाटन चाट
में है, है तो पोस्टर ले लो, इतना तो बड़ी स्कूली है।
सखी सब को तुम देख निहारे,